इस लड़के ने जो है बहुत बड़ा सा डैम बनाया और पिछली इस जगह के अंदर जो है बहुत शानदार डैम बनाया, देख सकते हो यहाँ पे इसने सबसे पहले जो है यहाँ पे खड्डा करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि इसके हाथ देख सकते हो कितनी स्पीड पे इसने जो है इतनी खतरनाक डिज़ाइन बना दी है। डिज़ाइन नहीं है दोस्तों, ये जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर लोहे को जो है एक दूसरे के अंदर सरियों को पसा रहा है, जिससे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसने बहुत शानदार तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा भी कर दिया है। अब इसके नीचे की साइड में जो है छोटी सी एक लाइन बना रही है, इनके अंदर भी जो है ये इन सरियों को डाल रहा है। देख सकते हो इसने बहुत ही शानदार तरीके से जो इसकी डिज़ाइन को दे रहा है यहाँ पे दिए। दीवारों को बनाने के लिए इसने जो है यहाँ पे सरिये भी खड़े कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ये लड़का जो लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स को लेके आ चुका है, यहाँ पे इसके चारों तरफ लगा रहा है लोहे के, जैसे कि आप देख सकते हो, ताकि ये अच्छी तरीके से जो कवर हो जाए। कवर होने के बाद में आप देख सकते हो इसको पूरे डैम को कितनी अच्छी तरीके से जो है इसने फिटिंग कर दिया है। और यहाँ पर जो कागज़ लगा रहा है ताकि यहाँ पर कुछ होल वगैरह लगेगा तो होल से मतलब पानी भी निकलना चाहिए, तो उस जगह पर जो है कागज़ लगा रहा है ताकि इससे अच्छे तरीके से पानी निकल सके। यहाँ पर जो वापस प्लाईवुड लगा के इसको ऊपर की साइड से भी अच्छे तरीके से पैक करा है, ताकि सब जगह से गिट्टी अच्छे से भरी जा सके। और ये गिट्टी डालना भी स्टार्ट इसने कर दिया है, देख सकते हो इसने कितने मतलब जल्दी इतना काम कर दिया है दोस्तों। एक दिन में इसने इतना सारा काम कर दिया, और पूरी मिट्टी सारी मतलब कि जो है सीमेंट सूख जाने के बाद में इसने सारे जो पाटे सारे हटा दिए। देख सकते हो ये कितनी शानदार तरीके से अंदर की साइड से निकल के बाहर आ चुकी है। देख सकते हो धीरे धीरे ये सारे पार्टियाँ जो है हटा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो कितनी शानदार लग रही है दोस्तों। डैम के ऊपर की साइड से भी इसने सरियों को जो है टेढ़ा करके इसके ऊपर भी रोड बना दिए, इसके ऊपर भी ये देख सकते हो और सारे वो ज़्यादा मतलब सरिये डाल रहा है। उसके बाद में इसने सीमेंट डाल दिए, और इसके हाथ में जो है एक मछली भी ले लिया, जिससे कि ये एकदम सिंपल कर सके। देख सकते हो यहाँ पर इसने पूरी नदी टाइप बना दी है, और यहाँ पर डैम के आगे की साइड की जो भी इसने रंगत कर दी है बहुत शानदार लग रहा है दोस्तों। मतलब देखने से इतना शानदार लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो इसने जो ईंटों से एक एक डोली भी खड़ी कर दी है, पता नहीं इसका क्या ही यूज़ करेगा, लेकिन हम देख लेते हैं आगे हम बने रहेंगे दोस्तों। इससे पहले आप हमारे इस चैनल को जो है पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस लड़के की जो है पूरी मेहनत बेकार नहीं जाए दोस्तों। और यार साइड में जो है खड्डा कर रहा है, पता नहीं क्या डैम बना रहा है, मतलब क्या नाली टाइप बना रहा है। देख सकते हो इसने नीचे की साइड पर भी एक खड्डा कर दिया है, खड्डे में जो है PVC पाइप डाल दिया है। PVC पाइप डालने में अब पता नहीं इसका क्या ही यूज़ होगा दोस्तों, पता नहीं ये कौन सा जो आर्किटेक्चर जो है दिमाग लगा रहा है दोस्तों। इसका जो छोटा सा पपी भी है इसके साथ आसपास घूम रहा है, और यहाँ पे भी इसने बहुत सारी जो है मिट्टी के ऊपर सीमेंट लगा दी है, और इसको पूरी मतलब कि एक नदी टाइप में शायद नदी है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से लुक दे दिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो इसने ईंटें वगैरह और अब आ रही आ चुकी है यहाँ पे कलर करने की, तो इसने बहुत ही शानदार तरीके से रेड और नीला कलर चूज़ किया है दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। और रोड के ऊपर भी इसने जो ब्लैक कलर जो लगाया है देख सकते हो, और यहाँ पर जो लाइटें वगैरह भी ये लेके आ चुका था मार्केट जाके, और मार्केट से जो लाइटें लेके आया था वहाँ पर यहाँ पर लगा दिया है इसने। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कितनी शानदार लग रहा है दोस्तों, मतलब ऐसे ही शानदार लग रहा है। तो फिर और यहाँ पर ये जो मोटर वगैरह भी लेके आ चुका है, जो कि इसके गेट पर लगेगा, गेट लग चुके हैं, पानी आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे पानी आना भी स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ओवरफ्लो होने के बाद में पानी कैसे निकलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने टरबाइन लगाई, टरबाइन से जो है यहाँ पे शायद लाइटें चलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो तो पानी से टरबाइन घूम चुका है, टरबाइन घूमने के साथ साथ ऊपर जो मोटर लगी होती है टरबाइन की मोटर भी घूमना स्टार्ट हो चुकी है, और इसके साथ में जो लाइटें भी चल गई है यहाँ पे आप देख सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और आप भी ऐसा ही कुछ बनाने की कोशिश जरूर करना दोस्तों। और इस लड़के को ये छोटा सा लाइक छोटा सा दिल जरूर देके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।